सिरोही जिले का एक गांव, एक तपोभूमि चूली। चूली राडबर सिरोही जिले का शिवगंज तहसील का एक गांव है, जहां पे जो साधु संतों की भूमि रही है, जहां श्री जगदम्बा साक्षात प्रकट हुई है। खोबारी माता जी के नाम से माता जी का प्रकट होना इस गांव का सौभाग्य है। इस गांव में जन्मे श्री लालदास जी बावसी, श्री अनूप जी बावसी और कई संतों का ये तपोभूमि रहा है, चूली का ये महातीर्थ। आज हम जो विहंगम नज़ारा देख रहे हैं, आज जो भक्ति का सैलाब देख रहे हैं, आस्था की पराकाष्ठा देख रहे हैं, ये संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री अनूप जी बावसी का 8वां वार्षिक मेला है। मेला इस तरह का कि किसी को बुलाया नहीं है, बस ये सब भाविक है। हम प्रवेश कर रहे हैं उस महातीर्थ में, ओम के आकार की पहाड़ी जहां माँ जगत जननी प्रकट हुई। कहते हैं माता जी अपने खांडे से पहाड़ी को चीरते हुए प्रकट हुई और एक मूर्ति में समा गई। हजारों साल पुराना मंदिर, हम इस मंदिर में हम देखते हैं सुरम्य पहाड़ी के मध्य हम माँ के दर्शन करें, हम उस शक्ति के दर्शन करें, उस महान शक्ति के दर्शन करें जो ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियाँ जहाँ समाहित हो जाती है। ये वो प्राचीन मंदिर है, ये छोटी प्रतिमा जहाँ पे माता जी पहाड़ी को चीरती हुई आई और उसके बाद में इसमें समा गई। अनेक चमत्कार हैं, मंदिर का विकास होता गया, क्योंकि सब आस्था का खेल है। इसी गांव के जन्मे संत शिरोमणि लाल जी बावसी, जिन्होंने ऊथमण में तपस्या की थी, हम देख सकते हैं बच्चे बूढ़े जवान महिला पुरुष सब के सब आज उस महान तपस्वी संत के वार्षिक मेले में ढोक देने पहुंचे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, और बहुत एकदम हमारी भारतीय परंपरा से ये माता जी, खोबारी माता जी का ये नवीनतम मंदिर हम इनको कह सकते हैं। माँ के दर्शन करें, माँ के साक्षात दर्शन करें। आज वार्षिक मेला चल रहा है, भोजन प्रसादी चल रही, हम दर्शन करें माँ के और देखिए किस तरह से माँ को हृदय में बसा के ठोक दे रहे हैं। यही हमारी परंपरा है, यही ये गांव सच में भाग्यशाली है। चूली राडबर ये तपोभूमि है, यहाँ हम और दर्शन करें श्री आशापुरा माता जी के। कितना भाग्यशाली हैं हम, कितने ये हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में संतों का भजन हुआ है, हमारे क्षेत्र में संतों ने तपस्या की है। अब आज इस पूरी कहानी को देखेंगे तो आपको लगेगा, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हवन कर रहे हैं, ये परंपरा है, हवन कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं और आप देखते यहाँ एक परिक्रमा मार्ग भी है। प्रणाम करें हम हृदय से, हृदय की गहराइयों से नमन करें माँ को। माँ की शक्तियों से संसार चलता है, शक्ति जगत करती, शक्ति ये सारे संसार का पालन करती है। हम प्रणाम करें ये महातीर्थ, ये जिसको जो परिक्रमा मार्ग हम देख रहे हैं, यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे कौतूहल बस यहाँ चढ़ते हैं। अभी परिक्रमा मार्ग को किसी कारण से बंद किया है, क्योंकि भीड़ नहीं जानी चाहिए अंदर, लेकिन ये जो दिख रहा है ये वो स्थान है जहाँ पहाड़ी को चीर कर माता जी आई थी और एक प्राचीन मंदिर में वो समा गई थी, स्थापित हो गई थी। और उसके बाद में कई राज आए, कई शासन आए, कई सत्ताएं आई, ये समझिए प्रजातंत्र। ये इस पहाड़ी को देख सकते हैं, ओम के आकार की पहाड़ी। गूगल से मुझे यहाँ के व्यवस्थापकों ने बताया, मैं राजेंद्र नरू का, ये मेरा सौभाग्य रहा आज मैं यहाँ पहुँचा।
उन महान संत का को स्मरण किया। देखिए मातृशक्ति अपने भाव प्रकट कर रही है भजन के साथ में, संगीत के साथ में, भक्ति के साथ में। यहाँ यह बरगद का पेड़ अनोखी वापसी ने लगाया, ये 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 पूरा का पूरा तीर्थ इसका वर्णन के लिए, ये जो मैं आपको एक एक ढूंढा बता रहा हूँ, ये सोमगिरि जी बापू 100 साल से चैतन्य है ढूंढा, ये 100 साल से चैतन्य, कोई इसमें कोई लकड़ा नहीं लगाते, कोई लकड़ा नहीं डालते, ये क्या चमत्कारों की कोई सीमा नहीं है। और जैसा हमको बताया कि यहाँ हर 3 घंटे में भोग लगता है। सोमगिरि जी बापू बहुत बड़े सिद्ध थे, बहुत बड़े सिद्ध थे। आप दर्शन करें, आप ये हमारे लालदास जी वापसी के पगलिये हैं। यहाँ पास में उत्मेश्वर महादेव मंदिर भी बनाया है, ये लालदास जी वापसी के पगलिये हैं। यहाँ आप अगर वैसे जाएंगे हर दिन भी यहाँ एक ये लालदास जी वापसी को प्रणाम करें, हम यहाँ का पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको आनंदित कर देगा। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, प्रणाम करें श्री लालदास जी वापसी। लालदास जी वापसी के पुत्र थे श्री अनोप जी वापसी, ये यहाँ के चुल्ली गांव की ठाकुर थे। बड़ा मनोरम दृश्य है ये, श्री भैरव जी को हम प्रणाम करें, भैरव बाबा को प्रणाम करें। यहाँ श्री शीतला माता का मंदिर है, उनको भी प्रणाम करें। मध्य में श्री शीतला माता, हर गांव में शीतला माता के मंदिर होती है। एक तरफ धरती माता है, एक तरफ और दूसरी माता जी हैं, इनके हम प्रणाम करें। और ये वो समाधि है श्री अनोप स्वामी जी, अनोप जी वापसी की समाधि है, इनको हम प्रणाम करें। आप देख सकते हैं माता जी हवन कर रही है, माता जी इस वायुमंडल को शुद्ध कर रही हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी, हम अनोप जी वापसी, ये महान संत थे, ये इसी गांव के थे, इसी लालदास जी वापसी के ये सुपुत्र थे। आप देख सकते हैं दोनों हाथों से आशीर्वाद मिल रहा है, इन्होंने इस संसार को जिया, इस संसार में उस परमात्म तत्व का चिंतन किया और समय रहते हुए चिंतन किया। आप देख सकते हैं यहाँ आज अनेक लोग पहुँचे हैं इस वार्षिकोत्सव में। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आध्यात्म हमारी ऊर्जा है, आध्यात्म हमारा आध्यात्म की आवश्यकता है। यहाँ मैं 3 समाधि और दिखा रहा हूँ आपको। मध्य में समाधि उन माता जी की हैं, श्री 1008 श्री लालदास जी वापसी जो गृहस्थी थे उनकी धर्मपत्नी की समाधि, पूरा परिवार भजन करता था। ये समाधि है संत शिरोमणि श्री अनोप जी वापसी की समाधि, उनकी धर्मपत्नी की समाधि है। और यहाँ हम एक और समाधि देख रहे हैं जो उनके भक्त की समाधि है। बड़ा मनोरम दृश्य है, बड़ा मनोरम दृश्य है ये देख सकते हैं। ये सारे भक्त बैठे हैं यहाँ, सब आज का दिन बहुत खास है। यहाँ सभी पहुँचे हैं अपने अपने भाव लेके, किसी को बहुत बड़ा कोई आमंत्रण का खेल नहीं था, बस भाविक हैं सारे लोग। सब लोग पहुँचे हैं आज इस यहाँ पर, एक तरह से भंडारा भी चल रहा है। और भगवान के यहाँ पे भंडारे की कोई कमी हो भी नहीं सकती, सब एक पंगत में बैठ के भोजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैंने भी प्रसाद दिया, मैं भी आज आशीर्वाद लिया वापसी के बाबा बापू करतार सिंह जी वापसी। यह आप देख सकते हैं, ये जब भगवान का भोग लग जाता है, श्री खोवारी माता जी का भोग लग जाता है, जब संतों के भाव यहाँ जुड़ जाते हैं, तो ये प्रसाद हो जाता है, महाप्रसाद हो जाता है। आप देख सकते हैं सभी एक पंगत में बैठ के भोजन कर रहे हैं। मैं दिलीप सिंह जी जो जिला परिषद सदस्य हैं, इनके भी मैं दर्शन कर रहा हूँ। अरुण परशुराम पुरिया जी भी यहाँ इसी पंगत में बैठ के भोजन प्रसाद कर रहे हैं। मुझे वहाँ और भी कई पूर्व जिला प्रमुख के भी से भी जो बात हुई, वो भी वहाँ पहुँची। इसके अलावा अनगिनत, सबके नाम महत्वपूर्ण सच में नहीं है,
क्योंकि सबसे बड़ा परमात्मा है। ये हम जो धान की बोरियां देख रहे हैं, यहाँ मूक प्राणियों के लिए यहाँ भंडार भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। स्वेच्छा से लोग पहुँचते हैं यहाँ। यहाँ मैं एक भक्त से मिला, आनंद आ गया मुझे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से माँ प्रकट होती हैं। आप इन्हीं के एक भक्त की जबानी अगर आप सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। ये महान तीर्थ आज सिरोही टेम्पल्स धन्य हो गया। सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से ये बताने का प्रयास है कि ये भूमि तपोभूमि है, सिद्धों संतों ऋषियों मुनियों की भूमि है। ये महान भूमि है, ये तपोभूमि है। पधारे आप, ये आदिकाल पहले पधारे थे जी, तब यहाँ पे अपने जो खंडा होता था देवी का, उससे इसको तोड़ के यहाँ से जगदम्बा पधारे। पधारने के बाद जो नीचे वाला मंदिर है वो है पुराना मेन मंदिर जी, जहाँ पे जगदम्बा पधारे, दर्शन दिलाया और एक छोटी सी मूर्ति उसमें खुद समा गए उसके अंदर जी। उसके बाद से जगदम्बा यहाँ बिराजी हुई और यहाँ पे देवी के अनेक पर्चे हुए। उस वक्त किसका राज था, उसके बाद में कई युगों के बाद में सोलंकियों का राज हुआ, सोलंकियों के जाने के बाद में देवड़ाओं का राज आया, अभी बीच में कुछ टाइम राठौड़ों का भी रहता, राठौर और यहाँ जी जी जी। उसके बाद में देवी तो बिराजे थे, पूजा आस्था लोगों की थी। उसके बाद में क्या हुआ, कोठार गांव है जी नाना बेड़ा के पास में, वहाँ के गरबारी थे जो बाद में बाबा बन चुके थे, बहुत अच्छे सिद्ध थे, उनका नाम था सोमगिरी बाबा। जय हो। सोमगिरी बाबा यहाँ पर पधारते थे, उन्होंने ये धोनी रखी, यहाँ धोनी में वो विराजते थे, उनकी तपस्या थी, तपस्या करवाते थे। उनके बाद में अभी जो बाबूजी है करतार सिंह जी, इनके दादू साथ थे लालजी बावसी जी। लालजी बावसी अच्छी में रस्तों बंद है, टिकट जाइए परिक्रमा मंगल है नीचे जाओ। लालजी बावसी थे यहाँ के सूली के देवड़ा सिरदार थे, ठाकुर साहब की फैमिली में थे, लाल सिंह जी नाम था, और सिरोही के दीवान थे कान सिंह साहब टूली, जिनके पड़ पोते थे। लालजी बाबू की जीवन भर तो गृहस्थी में रहे, अपने वृद्ध अवस्था के अंदर उनमें हुक्म हुआ, उनके साथ हुआ, उस वक्त वो भजन में लगे। तो लालजी बाबू से यहाँ पे पदार्थ रहते थे, उत्पन्न में ही भजन किया, और लालजी बाबू से आज पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल लाल बाबा बाद से, बिल्कुल लाल लालजी बाबू से वो उत्पन्न रहे। उनके बेटे नोकजी बाबू से वो भी उनके समाधि के बाद में वो यहाँ सेवा और पूजा में रहे, उनका भी बड़ा भजन था। वो भजन फिर इनके भतीजे को मिला, शक्तिगिरी बाबा करतार सिंह जी को। हाँ बालजी, ये सब सवाल। सबसे मेन जो इस मंदिर की खासियत है, जो दूर दूर बड़े मंदिरों में आपको नहीं मिलेगी, आप खुद भी चेक करवा दें, यहाँ पे 24 घंटे धुनी में देव रहता है और हर 3 घंटे से मंदिर में धूप जलता है। बहुत अच्छा। पहले छाना तो थोड़ा चूरमा एंड ऊपर छाना, 24 घंटे चलता रहता, हर 3 घंटे से। डालने वाले भगत ही हैं, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, बड़े राजा महाराजा से एक आम आदमी तक, बड़े नेता से लगा कि छोटे से छोटे बाबू तक, तो जो आया यहाँ पे और यहाँ जगदम्बा के कोई भी तो आता रहता है। आप 5 दिन आए, मतलब 2 दिन आए, तो 1 दिन ही रुका शाम को। तो सुबह 6 बजे, सुबह 9 बजे, दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 3 बजे, शाम की 6 बजे, रात को 9 बजे, रात को 12 बजे, हर 3 घंटे में भोग लगता है। और 3 घंटे में 18 जगह भोग लगता है और धुआं रहता है। धुआं भी सिर्फ गाय के छाने का, जिसमें पॉजिटिविटी हो, जिसमें हर बीमारी से लड़ने की शक्ति। तो बखान करने के लिए कोई है ही नहीं, मतलब इतनी सारी किस्से हैं, मैं तो खुद अभी सुनते रहा हूँ, मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन यहाँ पर 40-40, 50-50। आपका गाँव कौन सा? मेरा है बेड़। बेड़ गाँव, बेड़ मारवाड़ में है, पाली डिस्ट्रिक्ट का गाँव है, जैतारण गाँव है, राठौर राजपूत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हुकम। थैंक यू।